हमको क्वेश्चन दिया है सो दैट द सेट जी ए प्लस बी रूट टू, जहाँ पे ए बी रैशनल नंबर के अंदर से बिलोंग करते हैं, इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ये रिलेशन, ये जो गी लिखा हुआ है, ये क्या ग्रुप है, ये हमको दिखाना है। तो ग्रुप के चार प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उन्हीं को हमको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ग्रुप के पहले प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी की। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट है एक्स और वाई जो क्या रैशनल नंबर के अंदर से आते हैं। ठीक है, मान लेते हैं लेट एक्स और वाई बी एनी टू एलिमेंट्स एलिमेंट्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, जी मतलब क्या, सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर से आते हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू जी, इस जी सेट के अंदर से आते हैं। जी सेट कहाँ है, रैशनल नंबर के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, सच दैट एक्स इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू, वाई इक्वल टू सी प्लस डी रूट टू। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या क्या बोलता है कि जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं वो भी उसी ओरिजिनल सेट के अंदर से आना चाहिए। तो क्योंकि एडिशन का चेक करना है हमको, एडिशन के ऊपर चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, मतलब क्या ये एक्स और वाई को ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बार और लिख लो, वेयर ए बी सी और डी सभी क्या है, रैशनल नंबर के अंदर से आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो ए प्लस सी और बी प्लस सी डी, सॉरी हाँ ठीक है, बी प्लस डी रूट टू हो जाएगा। ठीक है, तो देखोगे क्योंकि हमने बोल रखा है कि ए बी सी डी रैशनल नंबर के अंदर से आ रहे हैं, तो ये जो आपको नया मिल रहा है एक्स प्लस वाई, ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर के अंदर से ही आने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास रिलेशन दिया है वो क्या है, क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू क्यू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू, ये खाली लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। फिर क्या होता है, एसोसिएटिविटी का। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी के लिए हम क्या जानते हैं कि हमारे पास तीन एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो यार, दो के लिए अगर वेरीफाई हो गया तो तीन के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि एडिशन का प्रॉब्लम है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो डायरेक्टली हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी के लिए, एसओ सी एटिविटी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट डायरेक्टली लिख देने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, द एलिमेंट्स ऑफ जी आर ऑल रियल नंबर्स एंड द एडिशन ऑफ रियल नंबर इज एसोसिएटिव। रैशनल नंबर है मतलब वो रियल नंबर के अंदर से ही आने वाला है, रियल नंबर के सेट के अंदर से रैशनल नंबर निकलता है। तो हम क्या लिखेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ जी आर रियल नंबर्स को क्या है, सभी रियल नंबर्स हैं, एंड द एडिशन ऑफ रियल नंबर आर एसोसिएटिव होता है, हमको भी मालूम है। ठीक है, एंड द एडिशन ऑफ रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव होता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। आप क्या करो, इन दोनों को नोट करो। हम बात करते हैं तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, इसको नोट करो, हो गया। चलो अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट चूज करना पड़ेगा जो क्या करे, इस क्यू मतलब क्या रैशनल नंबर सेट के एलिमेंट पे कोई भी इफेक्ट ना पड़ने दे। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। चलो तो कंटिन्यू करते हैं, आप क्या बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट जीरो क्या होता है, रैशनल नंबर के अंदर से आता है। तो जीरो क्यों, हम क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो रूट टू के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि वो जी रिलेशन कुछ ए प्लस बी रूट टू की तरह दे रखा है। तो हम भी जीरो को इस तरह से लिख लेते हैं, ऐसे लिखने से फ़र्क क्या हुआ, हम क्या कर सकते हैं, जीरो को आराम से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ ए प्लस बी रूट टू इज एनी एलिमेंट ऑफ जी देन वी हैव ए प्लस बी रूट टू प्लस जीरो रूट टू इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू। करने का मतलब, इस ओरिजिनल एलिमेंट की आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस
जीरो प्लस जीरो रूट टू इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, इज द लेफ्ट आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ जी। जी जो सेट दे रखा है उसका क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। तो देखो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट अगर हमारे पास इफ ए प्लस आई बी है, सॉरी ए प्लस बी रूट टू है जो क्या जी के अंदर से आता है, देन माइनस ए प्लस माइनस बी रूट टू वो भी क्या होगा, जी के अंदर से आएगा, क्योंकि बात चल रही है रैशनल नंबर की, तो रैशनल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। सच दैट अगर हम इन दोनों को ऐड करें, करने का मतलब ए प्लस बी रूट टू प्लस माइनस का ए प्लस माइनस का बी रूट टू करें तो हमको क्या मिलेगा, ए प्लस माइनस का ए, और फिर क्या ये साथ में कर लो प्लस रूट टू को साथ में कर लो और बी प्लस का माइनस का बी कर लो, ऐसा कर लो, जिससे होगा क्या ये भी जीरो हो जाएगा, रूट टू तो है ही और ये भी जीरो हो जाएगा। तो यही देखो क्या हमारे पास लेफ्ट आइडेंटिटी है, जीरो प्लस जीरो रूट टू, करने का मतलब इनवर्स के अंदर सॉल्व करने पर लेफ्ट आइडेंटिटी मिल रहा है, मतलब बात सही चल रही है। तो हम क्या बोलेंगे हेयर, एक मिनट, हम क्या बोलेंगे हेयर जीरो प्लस सॉरी हेयर माइनस ए प्लस माइनस बी रूट टू इज द लेफ्ट इनवर्स, इज द लेफ्ट इनवर्स। तो देखो क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स अभी प्रूफ हो गए। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस जी इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, क्या करो इसको नोट करो,